नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। राजनीति में नेताओं के बयान अक्सर सियासी गलियारों में गर्माहट लाने का काम करते हैं, ऐसा ही कुछ देखने को मिला हल्द्वानी में। दरअसल हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने, देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संविधान बचाए रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस बारे में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है। विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर अब तक हमने 36 पत्र लिखे हैं, इनमें से 25 पत्र प्रधानमंत्री को लिखे हैं जो प्रधानमंत्री स्तर के विषयों से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के प्रति कांग्रेस पार्टी के सम्मान, मां गंगा के प्रति आस्था, पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेजे गए हैं। साथ ही बताया कि पहली चिट्ठी 8 अप्रैल को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने, देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संविधान को सुदृढ़ रखने, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के शपथ पत्र के रूप में लिखी थी। इसके अलावा कांग्रेस विधायक ने बताया कि उत्तराखंड के वनों में जंगली जानवरों के आवास की कैरिंग कैपेसिटी का वैज्ञानिक आंकलन करने, वन्य जीवों से ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए मनरेगा के तहत गांव के आसपास खतरनाक रूप से उग आई झाड़ियों को काटने की इजाजत देने, नमामि गंगे परियोजना, पुरानी पेंशन स्कीम और एक रैंक एक पेंशन लागू करने की मांग पर जोर दिया जाए, इसके लिए भी उनकी तरफ से सरकार को पत्र लिखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव महेश शर्मा, जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, पूर्व अध्यक्ष सतीश नैनवाल और महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश के साथ मौके पर मौजूद रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इन पत्रों का संज्ञान लेती है या फिर नहीं, और अगर लेती है तो कब तक। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।